वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जेल एक्सटेंशन के लिए। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। तो सबसे पहले आपके पास एलईडी लैंप और यूवी लैंप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम काम नहीं कर सकते, स्पेशली जब ये जेल का काम है। सो एलईडी लैंप और यूवी लैंप इज मस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज नेल कटर, तो हर किसी के घर में भी होता है, सो दिस इज़ कंपल्सरी एज वेल। और ये है क्यूटिकल कटर, इसका होना भी ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इसके साथ हम अपने क्यूटिकल एरियाज को कट कर सकते हैं, तो ये भी आपको चाहिए। एंड अदर थिंग इज दिस क्यूटिकल पुशर, इसकी मदद से हम अपने क्यूटिकल्स को पुश करेंगे। और फिर आते हैं बफर्स, फाइलर्स, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब हम जेल एप्लीकेशन करते हैं हमको इसके साथ बफ करना होता है, सो ये भी चाहिए हमको, बिकॉज जब हम जेल एप्लीकेशन करते हैं बहुत सारे बबल्स एंड अनइवन जेल एप्लीकेशन होती है, सो हमें ये चाहिए। नेक्स्ट ये है पुफी ब्रश, इससे इसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि डस्ट को क्लीन करता है जब आप फाइल करते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लो बफर, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम फाइल करते हैं नेल्स पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और इसकी मदद से हम। नेक्स्ट है हमारे पास ये नेल टिप्स, ये जो है आधे नेल्स पर लगती हैं, आप खुद इसको शेप दे सकते हैं जो भी आपको शेप चाहिए। ये 0 से लेकर 9 तक जाती हैं, जैसे जैसे नंबर बड़ा होगा जो टिप्स हैं वो छोटी हो जाएंगी, जैसे कि 0 से लेकर 9 तक आप देख सकते हैं। जो 9 है ये सबसे छोटी टिप्स मिलेगी आपको आपकी। और फिर हमारे पास आते हैं ट्रांसपेरेंट टिप्स, जो कि हम जेल एक्सटेंशन के लिए वर्त सकते हैं और टेम्प्रेरी नेल्स के लिए। और फिर आती है हमारी बिल्डर जेल, ये जो बिल्डर जेल है ये है मेरे पास क्लियर जेल, जो कि IBD की जेल है। ये बहुत अच्छी जेल है, यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इज़ द रिज़ल्ट। इसके साथ हमें जेल ब्रश भी चाहिए, क्योंकि इसको पिक करने के लिए हमें ब्रश की नीड पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये नेल आर्ट टूल्स, इसके साथ आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको नेल आर्ट करने में मदद देंगे, जैसे कि डॉट वगैरह करना हो तो इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइनस्टोन्स, जो कि जब हम एक्सटेंशन करते हैं जेल पॉलिश के ऊपर से अप्लाई करते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, सो आई लाइक देम, यू कैन ऑल्सो बाय देम। सो नेक्स्ट हमारे पास है ये दो चीज़ें जो कि आपको मस्ट चाहिए। पहला है डिहाइड्रेटर, जो कि आपके नेल को ड्राई रखेगा ताकि एक्सटेंशन ज़्यादा देर तक टिक सके, एंड प्राइमर, दोस टू पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट, सो यू हैव टू हैव दिस बोथ ऑफ देम टू यूज़, अदरवाइज योर एक्सटेंशन ज़्यादा तक नहीं स्टे कर पाएगा। सो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास बेस कोट एंड टॉप कोट हमको चाहिए। बेस कोट है जो कि आप मेरी अगली वीडियो में, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमें चाहिए। और हमारे पास ये सब जेल पॉलिश हैं, कोई भी कलर आप ले सकते हो, जो भी आपका फेवरेट कलर हो आप चूज़ करो कलर कोई भी, यू मस्ट हैव जेल पॉलिश, वरना जेल पॉलिश के बिना काम नहीं चलेगा। एंड मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की नेल पॉलिश हैं जो कि मुझे अच्छी लगती हैं सभी की सभी, जैसे इस स्विस ब्यूटी का मैं सिर्फ एक ही कोट लगाती हूँ तो मुझे रिज़ल्ट मिल जाता है। कई बार कई नेल पॉलिश का मुझे 2-3 टाइम लगाना पड़ता है फिर जाकर रिजल्ट। ये आ जाता है हमारा मैट टॉप कोट, जैसे कि हमारे पास ग्लोसी टॉप कोट है, ये है मैट, इसके साथ मैट की लुक आएगी। सो ओके गाइस, ऑल दिस स्टफ आपको चाहिए अगर आपने घर पर ही नेल एक्सटेंशन करना है। मस्ट हैव LED लैम्प एंड दिस ऑल द थिंग्स यू शुड हैव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ गाइज। बाय।